अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने जो इन्वेस्टर सबमिट करके और ODOP करके जो प्रयास किया इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए, बहुत अच्छा प्रयास है। और इस प्रयास के अंतर्गत फिरोजाबाद से बहुत बड़ा एक इन्वेस्टर खड़ा हुआ है जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है कि यहाँ ग्लास इंडस्ट्रीज है, ODOP में भी ग्लास है, GI टैग में भी ग्लास है, लेकिन ग्लास की जो मेल्ट होता है वो गैस से होता है और गैस की TTZ में इतनी बंदिशें लगी हुई हैं जो नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट आदेश है, उनका स्पष्ट आदेश 1996 में ये हुआ था कि लकड़ी, तेल, कोयला को छोड़कर जो ग्रीन फ्यूल है जिसमें उन्होंने मीथेन और अपना नेचुरल गैस ये उन्होंने सजेस्ट किया था, उन्हीं की सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ही यहाँ पर पाइपलाइन डली और उसी को हर इंडस्ट्री को गैस मिली। उस समय 625 इंडस्ट्री थी, जो आज 196 इंडस्ट्री लगभग रह गई हैं, बाकी 43 इंडस्ट्री पाइपलाइन में हैं जिनको अभी तक गैस नहीं मिली। TTZ कोई भी एक ठोस कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। जो ग्लोबल समिट है एक अच्छी पहल है सरकार की, भारत सरकार की, योगी जी की, और इसका जो लाभ है पूरी तरह से फिरोजाबाद को या पूरे उत्तर प्रदेश को मालूम नहीं है पूरे, लेकिन फिरोजाबाद को पूरी तरह नहीं मिल पाता है। सरकार तो चाहती है कि जो भी नई नई उद्योग लगाएं, नई नई सबको सुविधाएं मिले MSME सेक्टर के लिए, तो अच्छी अच्छी सुविधाएं दी गई इस बार सरकार ने। पर ये सरकार की जितनी योजना है निचले स्तर पर पूरी तरह धरातल पर नहीं आ पाती हैं। जैसे फिरोजाबाद के लिए गैस की शिफ्टिंग, फर्नेस की शिफ्टिंग है, गैस इसका विस्तारीकरण, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं। पहले 100 वाट के बल्ब जलते थे, अब वो LED लाइट पे आ गए हैं, तो प्रोडक्शन तो बढ़ता है उनका, पर गैस की जो रोक लगी हुई, TTZ रोक लगी हुई सब चीज़ों पर। तो क्या चाहते हैं ये सब चीज़ें दूर हो के हैं, बाधाएं जितनी हैं गैस ट्रांसफ़र की, शिफ्टिंग की, विस्तारीकरण की, बार बार दिक्कतें आती हैं TTZ से, कभी सुप्रीम कोर्ट से, कभी हाई कोर्ट से,